नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट फाइव स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पावर देखो, हमने वर्क भी पढ़ लिया, एनर्जी भी पढ़ ली और अब लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है पावर का। ओके, नाउ बेसिकली व्हाट इज पावर? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का जो रेट होता है, रेट मतलब पैसा नहीं, रेट ऑफ, जब भी रेट नाम की कोई चीज है तो डिवाइड में टाइम पकड़ लेने का। नाउ इफ एन एजेंट डज वर्क W इन टाइम T, देन इट्स एवरेज पावर इज गिवन बाय P एवरेज का फॉर्मूला था। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब टाइम हमेशा नीचे आता है, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, शॉर्टर इज द टाइम टेकन बाय अ पर्सन और अ मशीन इन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क, द लार्जर इज द पावर ऑफ दैट पावर और मशीन। मान लो मैं दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, दोनों को मैं एक काम दे रहा हूँ, ये वाला बंदा 5 मिनट में कंप्लीट करा है और ये वाला बंदा 50 मिनट में कंप्लीट करा है, तो किस में पावर ज़्यादा होगा? ए में, क्योंकि दोनों को तो काम एक ही दिया है। टाइम जो कम लेगा, द लेसर द टाइम द मोर द पावर। क्यों? क्योंकि पावर में जो टाइम है वो किससे इनवर्स रिलेशन है, सो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जितना कम टाइम उतना पावर ज़्यादा। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज, वर्क एंड टाइम। वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर। डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा? ML2T-3, ये उसके डायमेंशन होंगे, याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ओके, अब यूनिट्स ऑफ पावर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वाट, बेसिकली इट्स नॉट वाट, इट्स वाट, बराबर है। वाट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसके नाम से रखा W। द पावर ऑफ एन एजेंट इज 1 वाट इफ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 जूल काम करेगा तो 1 जूल पर 1 सेकंड इज नोन एज 1 वॉट, बराबर है। तो 1 वॉट को हम 1 जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, मतलब कभी कभी वॉट भी लिखो या कभी कभी जूल पर सेकंड लिखो, दोनों सेम है। सिंस वॉट काफ़ी छोटा यूनिट है तो उसका जो बड़ा यूनिट है किलो वॉट यूज करते हैं, किलो वॉट मतलब 1000 वॉट। और कहीं कहीं जगह पे आज भी हॉर्स पावर यूज होता है, जैसे गाड़ी की मेजर, गाड़ी का पावर हमें, फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, इन सब का पावर जो हमें मेजर करना होता है मशीन का, वो हॉर्स पावर में करना। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट मतलब 10^3 वाट, और 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, याद रखना है 746 वाट। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं बट याद रख लेना। ठीक है, ओके, लिख लिया बेटा सब लोगों ने? नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस पावर। अब बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर होता क्या है? द पावर ऑफ एन एजेंट मे नॉट बी कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा लगाता है, एकदम जैसे मोटिवेशन कर दिया तो ज़्यादा क्या बोलते हैं पावर लगाता है, फिर वो थोड़ा थक जाता है तो कम पावर लगाता है, वापस मोटिवेशन किया तो ज़्यादा, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है। द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू। जब भी इंस्टेंटेनियस नाम आए तो लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो। जैसे आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt और δx/δt, लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो। यहाँ पे δw/δt, डेल्टी टेंड्स टू जीरो। इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज द टाइम इंटरवल अप्रोच इज जीरो। लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो मतलब उतना कम टाइम पे हमें वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही वो हमें मिलेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इफ डेल डब्ल्यू इज वर्क डन इन स्मॉल इंटरवल टाइम डेल्टी, देन इंस्टेंटेनियस पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? पी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टी टेंड्स टू जीरो डेल डब्ल्यू बाई डेल्टी। जब भी लिमिट लग जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? dW/dt। डेल डब्ल्यू इज डिफरेंस और डी इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। ओके, नाउ पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, द वर्क डन बाय द फोर्स F फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr इज गिवन बाय, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पता है, F into dr, राइट। तो dW/dt हमने पावर निकाला, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो W की dW की जगह पे F into dr by dt। अब f तो कांस्टेंट है, व्हाट इज dr/dt? r इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वो तो वेलोसिटी होगा, बट dr/dt इज v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पावर का ये दूसरा फार्मूला है, सेकंड फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दस द पावर ऑफ एन एजेंट मे बी इंस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फोर्स एंड वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे जितना फोर्स लगाएंगे और जितनी वेलोसिटी रहेगी उसको भी पावर। ये चीज 1 किलोवाट आर आपने 10th में पढ़ी थी, किलोवाट आर और मोड ऑफ ट्रेड यूनिट। मोड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो इसमें मेजर होती है, इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट आर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट इन 1 आवर।
कोई भी एक अप्लायंस है वो 1 घंटे में अगर 1000 वोट एनर्जी को कंज्यूम करता है तो उसे 1000 वोट पर आवर, 1000 वोट आवर बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट इज 1000 वोट इंटू 1 आवर, वॉट का जूल पर सेकंड इंटू 3600, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल मतलब 3.6 इंटू 10^6 जूल, याद रख लेना 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है, बराबर बेटा, डन, ओके। तो इसके रिलेटेड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल है देख लेते हैं। पहला ही न्यूमेरिकल क्या है देखो, तो अ मैन वेइंग 60 kg क्लाइम्स अप अ स्टेयरकेस कैरिंग अ लॉट ऑफ 20 kg ऑन हिज हेड, उसके सिर पे 20 kg का वो ऊपर चढ़ रहा है, ओके। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एक तो 60 kg उसका खुद का और 20 kg वो ऊपर सिर पे उठा के चल रहा है, 80 kg। अब वो 20 steps ऊपर जा रहा है और हर एक स्टेप की हाइट है 0.2 meter, तो हाइट कितना गया 20 into 0.2, तो कितना हो जाएगा 4 meter। इफ इट टेक्स 10 seconds, टी है हमारे पास 10 seconds, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा एम जी एच बाय टी, तो सर जी क्या होगा, जी को आप 9.8 meter per second square ले लो। अब देखो जितना वो वर्क डन करेगा तो वो कितना वर्क डन कर रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वो ऊपर जा रहा है इसलिए फोर्स क्या लगेगा एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर जा रहा है इसलिए एच, समझ में आ गया बेटा। सो 80 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच की वैल्यू 4 अपॉन टी की वैल्यू 10, सब कुछ आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 313.6 वाट। कितना सिंपल था बेसिक लेवल के क्वेश्चन में, और भी एक दो क्वेश्चन हम करते हैं जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है, अ कार ऑफ मास 2000 kg इज लिफ्टेड अप अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर बाय अ क्रेन इन 1 मिनट, मास इज इक्वल टू 2000 kg, डिस्टेंस मतलब हाइट ऊपर है 30 मीटर इन 1 मिनट, अ सेकंड क्रेन डज द सेम जॉब इन 2 मिनट। देखो भाई पहली क्रेन जो है वो 1 मिनट लगा रही है, 1 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 60 सेकंड, दूसरी क्रेन है वो 2 मिनट लगा रही है, 2 मिनट मतलब कितना हो जाएगा 120 सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द पावर अप्लाइड बाय ईच क्रेन, पावर अप्लाइड बाय फर्स्ट क्रेन, P1 का फॉर्मूला क्या होता है W1 by T1, ये कितना हो जाएगा MGH by T1, क्योंकि देखो दोनों क्रेन एक ही बंदे को उठा रही है, वो है 2000 kg का कार, एक ही डिस्टेंस पे उठा रही है, वो है 30 मीटर और इस पे G कितना लगेगा 9.8, तो 2000 into 30 into 9.8 whole upon T1 कितना लग रहा है 60, तो क्या 2 हो गया 1000, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9800 वोल्ट। अब हम दूसरा अप्लाई करेंगे, पावर अप्लाइड बाय सेकंड क्रेन, P2 इज इक्वल टू W/T2, ये देखो W सेम रहेगा, W में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्क दोनों सेम कर रहे हैं पर दूसरा बंदा है वो ज्यादा टाइम लगा रहा है इसके कंपैरिजन में, आधा टाइम इसके कंपैरिजन में डबल टाइम लगा रहा है। देखो ना इसको ऐसे कर दो और इसको यहाँ पे 500 कर दो, तो देखो यहाँ पे 1000 था यहाँ पे 500, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4900 वोल्ट। देन और क्या बोला है, डू द क्रेन कंज्यूम द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल, सिंस दोनों वर्क सेम कर रहे हैं इसलिए सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल, सिंस दे परफॉर्म सेम वर्क हैंस they consume same amount of fuel. Okay, next question, question 3, an elevator can carry a maximum load of 1800 kg, elevator plus passenger is moving up with a constant speed of 2 meter per second, the frictional force opposing the motion is 4000 newton। देखो एक सिंपल सी बात है,
अब ये जो एलिवेटर है वो ऊपर जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा है एफ एफ, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगेगा, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, द डाउनवर्ड फोर्स ऑन एलिवेटर एफ इज इक्वल टू, एक तो एम जी लग रहा है उसका खुद का वेट और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एम जी मास कितना है 1800 इंटू जी की वैल्यू 9.8 मान ले रहा हूँ, ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मान लेते हैं, चलो 9.8 की जगह पर 10 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं। आप बोलो सर कभी आप 9.8 मानते हो कभी 10 मानते हो, वो देखो आप पे डिपेंड करता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स कितना है 4000, ठीक है, तो ये 18000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा 22000 न्यूटन हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, समझ आया, फोर्स कितना लगा 22000 और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, तो कितना लगेगा 44000 वाट। अब आपको पता है कि मान लो अगर ये क्वेश्चन आया कि इसको एचपी में कन्वर्ट करो हॉर्स पावर में, तो आपको पता है मोटर जो होती है ना वो हॉर्स पावर के फॉर्मेट में होती है, तो पी का फॉर्मूला क्या होगा 44000 अपॉन 746 हॉर्स पावर, तो पी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 59 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली। डन बेटा, किसी को भी कुछ दिक्कत, आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं और वो है कलिजन, सबसे बढ़िया टॉपिक है, सबसे बढ़िया टॉपिक, ठीक है। आज का लेक्चर काफी छोटा होगा, टाइम कितना होगा, तो अभी सिर्फ 11 मिनट, आधा घंटे का लेक्चर होगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका जो डेरिवेशन कराऊंगा वो डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि कोलिजन है क्या। सब लोगों को आपको पता है कि बेटा कोलिजन क्या होता है, कोलिजन इज सेड टू अकर बिटवीन टू बॉडीज either if they physically collide against each other or if the path of one is affected by the force exerted by the other. मान लो ये कार है आपकी, इस डायरेक्शन में जा रही है और ये दूसरी कार है इस डायरेक्शन में, अब ये दोनों टकरा रहे हैं मतलब क्या होगा, ऐसी हालत हो गई दोनों की, ठीक है दोनों कार की, तो ये क्या हो रहा है कलिजन है। या दूसरा एक एग्जांपल इन्होंने क्या बोला है, इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अदर, मतलब एक इसके कारण ये फोर्स के कारण ये जो है वो इस बंदे पे फोर्स लगा रहा है, इसके कारण इसका जो पाथ है वो डेविएट हो जाएगा, तो उसे अभी भी हम क्या बोलेंगे कलिजन। आपको अब तक क्या लग रहा था, इंग्लिश में कलिजन का मतलब होता है कि भैया कि अगर वो दोनों एक दूसरे से रियल में टकरा है, फिजिकली टकरा है, ऐसा नहीं होता है फिजिकली ना भी टकरा है बट एक के कारण दूसरे पे अफेक्ट हो रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कलिजन बोलेंगे। फॉर अ कलिजन टू टेक्स प्लेस द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट इज नॉट नेसेसरी, आ गया समझ में। बेस्ट एग्जाम्पल उसका, इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल्स एंड द न्यूक्लियस फ्रॉम द डिस्टेंस, याद आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल था तो ऐसे घूम जा रहे थे, ऐसे फिर यहाँ पे जाके ऐसे जा रहे थे और ऐसे घूम जा रहे थे, क्यों, इसको भी कलिजन ही बोलते हैं, और इसको हम कलिजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पहला है उसके कारण, दैट इज जो बीच में जो अल्फा पार्टिकल था और सॉरी उसमें बीच में न्यूक्लियस था, वो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रहा है, तो न्यूक्लियस के कारण अल्फा पार्टिकल का पाथ चेंज हो रहा है, तो उसमें भी हम क्या बोलेंगे कलिजन बोलेंगे। अल्फा पार्टिकल इज सेड टू हैव सफर्ड कलिजन विद द न्यूक्लियस, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर हो गया। चलो तो थोड़ा बहुत थियरी देख लेते हैं, कलिजन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला इलास्टिक कलिजन, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बहुत कम है इसके बारे में, लिख लेना, एमसीक्यूज भर भर के आते हैं और आपको काम आएगा, सुनना। इलास्टिक कलिजन किसको बोलते हैं, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ कलिजन इट इज कॉल्ड एन इलास्टिक कलिजन। अगर मान लो कि भाई उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, लॉस मतलब कौन सा पता है, लॉस मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, लॉस मतलब कि भाई जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में है, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई इलास्टिक कलिजन हुआ है। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इलास्टिक कलिजन की, मोमेंटम इज कंजर्व, दूसरी टोटल एनर्जी इज कंजर्व, क्योंकि एनर्जी लॉस तो हुई नहीं, एनर्जी लॉस नहीं हुई मतलब वेलोसिटी भी सेम रही है, वेलोसिटी सेम रही है इसलिए मोमेंटम भी सेम,
तीसरा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, अभी देख लिया हमने, कंजर्व मतलब जो पहले थी वो ही बाद। चौथा फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कलिजन आर कंजर्वेटिव, कंजर्व जब भी होता है मतलब वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उसी के कारण तो वो कंजर्व्ड होगा। और फिफ्थ द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट लाइट साउंड एक्सेट्रा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी बाद में रही, मतलब जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाद में उतनी काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल कलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल, कलिजन बिटवीन ग्लास बॉल, ग्लास के जो दो बॉल्स होते हैं ना अगर आप उसको टकराओगे, आप जोर से टकराओगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, बट धीरे से टकराओगे तो जितनी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी। प्रैक्टिकली कोई भी इलास्टिक कलिजन नहीं होता है, क्यों, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लॉस ऑफ एनर्जी होता ही है, बट हम थियोरेटिकली बोल सकते हैं। ओके देखो ये एक्सपेरिमेंट तो सबने देखा होगा, फिजिक्स का सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है, एक बार इधर से धक्का मार के दे दिया तो ये घूमता ही रहता है, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, होती है तो भी वो पॉइंट फ्रैक्शन में होती है कि वो बहुत वर्षों बाद वो बंद होता है। एक इस ये वाला बंदा इसको धक्का मारेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, ये वापस इधर आएगा इसको धक्का मारेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट इज इनइलास्टिक कलिजन, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग अ कलिजन इट इज कॉल्ड इनइलास्टिक, अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो इलास्टिक, अगर हुआ तो वो इनइलास्टिक। मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम फिर भी कंजर्वड होगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फॉर्मेट, बट टोटल एनर्जी कंजर्वड होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्वड होगी, एग्जाम्पल कलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, कलिजन बिटवीन अ बॉल एंड अ फ्लोर, वो तो हमने देख लिया कि जैसे ऊपर आएगा तो 80% से बाउंस होगा, बाकी सब काम चला गया हीट और साउंड में, ठीक है। ये देखो व्हीकल टकरा रहे हैं, ये टेस्टिंग व्हीकल है, रोड एक्सीडेंट का मैंने फोटो नहीं खींचा, आप बोलो सर आपने तो हमारे लिए दो कार को एक्सीडेंट करवा दिया, तो ये जब दो कार बनती है तो उसकी सेफ्टी टेस्ट के लिए डमी कार्स होते हैं ना उसको ऐसे टकराते हैं। ये देखो यहाँ पे बीच में एयर बैग्स भी बाहर निकल रहे हैं, ऐसी सारी चीजें, ये कौन सा है इनइलास्टिक कलिजन। तीसरा आता है परफेक्टली इलास्टिक कलिजन, इफ द टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कलिजन एंड मूव्स एज अ सिंगल बॉडी विद अ कॉमन वेलोसिटी देन द कलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक कलिजन। मान लो ये छोटी सी कार और इतनी बड़ा ट्रक है, कार अपने साइड से, ये साइकिल वाला है और ये ट्रक वाला है, फुल स्पीड में जा रहा है, वो ट्रक वाला आगे बढ़ता जाएगा तो फिर वो साइकिल वाले को भी साथ में लेके जाएगा, फिर दोनों एक ही स्पीड से जाएंगे, जो ट्रक की स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इन सच कलिजन मोमेंटम इज कंजर्व बट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि वो पहला बंदा तो उसके अंदर फिक्स हो गया, जैसे मड थ्रोन ऑन अ वॉल एंड स्टिकिंग टू इट, अगर आप वो मिट्टी होती है उसको इकट्ठा करके चिपका दोगे, क्या हुआ, आफ्टर कलिजन वो उस पर चिपक गया। अब वन मैन जंपिंग इनटू अ मूविंग ट्रॉली की स्पीड तो वही है, मैन उधर जाके फिर खड़ा हो जाएगा, अब बुलेट फायर्ड इनटू वुडन ब्लॉक एंड रिमेनिंग एम्बेडेड, ये रहा उसका एग्जांपल, एम्बेडेड मतलब उसमें ही रहेगा, फिर ये वुडन ब्लॉक की स्पीड जो पहले थी वो भी स्टेशनरी था, बट ये वुडन ब्लॉक के अंदर अब वेलोसिटी सारी लूज कर दी किसने, बुलेट ने, इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम, ठीक है। और दो एग्जाम्पल लेते हैं, हेड ऑन कलिजन और वन डायमेंशन, इट इज द कलिजन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बिफोर एंड आफ्टर कलिजन। मान लो बिफोर कलिजन वो एक ही पाथ में आ रहा था, आफ्टर कलिजन भी सेम पाथ में जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल बताओ रेलवे ट्रैक, अगर दो टकरा रहे हैं हेड ऑन हेड फिर वापस ऐसे हो जाएंगे। गेम्स भी आपने देखी होगी, गेम्स वो छोटे बच्चों की गेम्स होती है, उसमें टकराते तो वापस उसमें पीछे चले आते हैं, एक ही डायरेक्शन एक ही लाइन में, इसलिए वहाँ पे क्या बोला हेड ऑन कलिजन। एग्जाम्पल कलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट, और दूसरा ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कलिजन। नाउ इफ टू बॉडीज डू नॉट मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन
बट लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो, मतलब मान लो ये इधर टकरा के इधर चला गया। बेस्ट एग्जांपल बिलियर्ड, जो आपने खेला होगा पूल स्नूकर, यहाँ पे मार कर फिर इधर भी जा सकता है, इधर 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 कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। और कलिजन बिटवीन टू कैरम कॉइंस, कैरम भी उसका एग्जाम्पल है। ओके एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ये जो है बूम, देखो आवाज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये क्या है आपका हेडन कलिजन है, क्योंकि टकराने के बाद एक ही लाइन में जाएंगे। और ये क्या है आपका टू डायमेंशनल कलिजन है, ऑब्लिक कलिजन, ये हेड ऑन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल ऑब्लिक, क्योंकि यहाँ से मारोगे तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे रहे तो बिलियर्ड्स में, बिलियर्ड की स्नूकर टेबल में ही रह रहा है, बिलियर्ड बोर्ड में ही रह रहा है, बट वो कहीं बाहर निकल जा रहा है, बट कहीं पे भी जा सकते हैं उसके पास प्लेन। अगर सेम लाइन में हो तो हेड ऑन कलिजन, सेम प्लेन में हो तो ऑब्लिक कलिजन। क्लियर बेटा, पक्का? चलो फिर हम आज देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन कलिजन। देखो सपोज द टू बॉडीज वन एंड टू कलाइड विद ईच अदर, दे एग्जर्ट म्यूचुअल इंपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग द कलिजन टाइम डेल्टी। ओके कलिजन टाइम डेल्टी है तो आपको पता है कि मान लो फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम चेंज कितना होगा डेल पी वन, पी वन का फॉर्मूला था फोर्स, फोर्स इंटू टाइम, एफ वन टू इंटू डेल्टी, एंड दूसरे पे कितना होगा पी टू का, डेल पी टू कितना होगा बेटा एफ टू वन इंटू डेल्टी, क्यों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल पी बाय डेल्टी, तो डेल्टी ऊपर चला गया। पी वन फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पी टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, पर एफ वन क्या है, एफ वन इज फोर्स एग्जर्टेड बाय, फोर्स एग्जर्टेड बाय टू ऑन वन, और फोर्स एग्जर्टेड ऑन वन बाय टू, एंड एफ टू वन क्या है फोर्स एग्जर्टेड ऑन टू बाय वन। बट हमारा जो न्यूटन भैया थे, न्यूटन भैया ने हमें क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये पता है कि भैया और जितना एफ वन टू होता है उससे एग्जैक्ट और ऑपोजिट माइनस एफ टू वन होता है, तो मैं दोनों साइड डेल्टी से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों साइड डेल्टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा एफ वन टू डेल्टी क्या होगा, ये हो गया डेल पी वन, और ये मेरा क्या हो गया माइनस डेल पी टू, तो उस साइड लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा डेल पी वन प्लस डेल पी टू इज इक्वल टू जीरो। अगर इसमें से मैं डेल्टा कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू जीरो। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये एग्जाम में नहीं लिखना है, इसका मतलब होता है कि देर इज नो चेंज, क्योंकि ये डेल का मतलब डिफरेंस, मतलब जितना फाइनल था उतना इनिशियल है तभी तो वो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, देर इज नो चेंज। तो इसका मतलब देर इज नो चेंज मतलब पी वन प्लस पी टू वो क्या रहेंगे हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे। क्यों कॉन्स्टेंट रहेंगे, जितना पहले था उतना ही बाद में हो गया, जितना पहले था उतना ही बाद में हो गया, हाय ना बोलो ये। तो इसका मतलब होता है द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ कलिजन। बराबर है, क्लियर हो गया बेटा, पक्का? चलो फटाफट से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो फॉर योर नॉलेज पढ़ते हैं, अगर आपको नॉलेज बढ़ानी हो तो, इफ इफ आपको इच्छा हो तो। सबसे पहला, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एट ईच इंस्टेंट ऑफ एवरी कलिजन, कोई भी कलिजन हो, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, हमेशा टोटल मोमेंटम कंजर्व है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है तो वो इलास्टिक कलिजन नहीं होती, इन इलास्टिक कलिजन। इवन फॉर एन इलास्टिक कलिजन द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड आफ्टर द कलिजन इज ओवर, कलिजन खत्म होने के बाद की बात है, डज नॉट होल्ड ऑन एवरी इंस्टेंट ऑफ द कलिजन, कलिजन हो रहा है तब नहीं, कलिजन हो जाएगा उसके बाद की बात है। When two bodies collide, they get deformed and may be momentarily at rest with respect to each other. जब दो कलाइड होते हैं ना, तो स्लो मोशन वीडियो अगर आपको देखने की इच्छा हो ना, तो टू व्हीकल्स कोलाइडिंग तब के स्लो मोशन देखना, तो इतने डिफॉर्म हो जाएंगे,
और फिर वापस क्या हो जाएंगे, मोमेंटरीली वहां पे स्टॉप भी हो जाएंगे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बॉल हिटिंग द बैट, इसका स्लो मोशन वीडियो देखना, बॉल आपको ऐसा लगता है भाई ये तो स्पीयर है और लेदर का बॉल होता है वो तो बहुत हार्ड होता है, बट नहीं, जब वो टकराता है ना तो वो डीफॉर्म होता है, कितने टाइम के लिए, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ठीक है। एंड लास्ट, द इंपैक्ट एंड डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ कलिजन में कन्वर्ट पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एंड साउंड, इसलिए प्रैक्टिकली कोई भी कलिजन इलास्टिक नहीं होता, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं होता, ओके। ये सारी चीजें आपको याद रखनी, एमसीक्यू नीट और जेडब्ल्यू वाले याद रखना है, काम आएगा आपको, बाकी तो आप लोग होशियार हो। और आज के लिए लास्ट डेरिवेशन, सबसे खतरनाक, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया डेरिवेशन, ठीक है, इलास्टिक कलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कलिजन इन वन डायमेंशन, प्लीज ध्यान से देखिए क्या है। एज शोन इन फिगर, consider two perfectly elastic bodies A and B of mass m1 and m2 moving along the same straight line with velocities u1 and u2 respectively. ये हमारा first object, ये हमारा second object, दोनों एक ही direction में move कर रहे हैं, इसकी velocity u1, इसकी velocity u2. Clear हुआ बेटा? Clear? Before collision की बात. After some time the two bodies collide head on and continue to move in the same direction. देखो during collision क्या हो रहा है, दोनों चिपक जाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, फॉर अ मोमेंटरी, मोमेंटरी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड का भी बहुत छोटा सा बात। आफ्टर कलिजन क्या होता है, आफ्टर कलिजन वो वापस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बट दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, v1 v2, मास को कभी चेंज नहीं हो सकता, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट क्या बोला, विद द वेलोसिटी v1 एंड v2 द टू बॉडीज विल सेपरेट आफ्टर द कलिजन इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, अगर v2 है ना v1 से बड़ा होगा तो ही, अगर V1 V2 से बड़ा होता तो V1 जो है वो V2 को, जैसे मैंने बोला ना बाइसाइकिल और ट्रक, वो उसे चिपक के ही चलता रहता, बट ऐसा नहीं है, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी आफ्टर कलिजन, और दूसरे वाले की ज्यादा हो जाएगी। जब भी आप धक्का मार रहे हो, कभी ऐसा होता है कि एक कार दूसरे कार को, दोनों एक ही रोड पे जा रहे हैं तो धक्का मारा तो पहली वाली कार है वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, ऐसा भी होता है, तो यहाँ पे वही समझ, क्लियर हो गया पक्का। चलो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एस लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है भाई, आप मानते हो ये, एस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, वो चाहे इलास्टिक हो या नॉन इलास्टिक हो, इन एनी कलिजन, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई इनिशियली आप देख लो बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2, ये बंदा हमारा क्या है, ये बिफोर कलिजन है, ये आफ्टर कलिजन है, बिफोर कलिजन आफ्टर कलिजन, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब मैं यहाँ पे 1-1 वाले को साथ में रखूंगा, 2-2 वाले को दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 बराबर है, इसमें से m1 में कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1, यहाँ से m2 कॉमन निकालूंगा क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2 बराबर, इसको नंबर 1 दिया और इसको नंबर 2 देके छोड़ दिया। ऑल्सो आपको पता है कि सिंस ये हमने कौन सा डेरिवेशन लिया, इलास्टिक कलिजन का डेरिवेशन लिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व इन इलास्टिक कलिजन, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी, therefore क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पहले हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में भी उतनी होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखो ये मुझे हाफ नाम के बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सबको मैं कट कर सकता, हाफ नाम के ये सारे बंदे कट हो जाएंगे, हाफ 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 ये सारे कट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, u1 वाले सब एक साथ लिख लो, u1 u1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1 स्क्वायर, ये दूसरे साइड लिख लेंगे, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 v2। अब आपको एक फॉर्मूला, देखो इसमें से m1 कॉमन निकालो तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो इसको मैं u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1 लिख सकता हूँ, और इधर m2 u2 प्लस v2 सॉरी v2 प्लस v2 प्लस u2 आएगा,
ये क्या आएगा वी टू प्लस यू टू, और यहाँ पे क्या आएगा वी टू प्लस यू टू, और ये क्या आएगा वी टू माइनस यू टू। बेटा ये स्टेप पता चला, इसको मैं नंबर थ्री देता हूँ। क्या किया पता चला, इनमें से m1 कॉमन निकाल दिया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दो स्टेप एक साथ कर दिया और उसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये 3 और 2 को डिवाइड करूंगा, डिवाइड डिवाइड 3 एंड 2, तो 3 क्या है मेरे पास m1 u1 plus v1 u1 minus v1 is equal to m2 v2 plus u2 and v2 minus u2 whole upon, यहाँ पे आएगा m1 u1 minus v1 whole upon, यहाँ पे आएगा m2 v2 minus u2, m2 m2 cancel, m1 m1 cancel, u1 minus v1 u2। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा u1 plus v1 is equal to v2 plus u2, ये जो चीज मिली वो हमारा काम हो गया। अब देखो ये v1 v2, अब u1 सारे u सारे एक साइड, v सारे दूसरी साइड, तो u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, ये हो गया 4। What is u1 minus u2? That indicates, इसका मतलब होता है relative velocity of A with respect to B, और u है इसलिए उसका मतलब क्या हो जाएगा before collision is equal to, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ relative velocity of B with respect to A after collision। मतलब मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लो u1 है 10 और u2 है 5, तो 10 minus 5 is equal to, तो after collision v1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और v2 हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 minus 5, ये हो जाएगा 5 equal to 5। तुम कौन सा जाओ घर पे, कल कौन सी ड्रेस है, हाँ कल आ जाएगा, ठीक है भले बड़े मामले। ओके बेटा, सो यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है, वो एग्जांपल भी मैंने रब कर दिया जिससे आपको पता चल गया कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन। मैंने आपको बताया ना कि भाई 10 की स्पीड वाला 5 को धक्का मारेगा तो 10 वाला है वो 5 की स्पीड से जाएगा और 5 वाले की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, वो आपने प्रैक्टिकली भी बहुत सारी जगह पे देखा होगा। डन, अब आगे बढ़ते हैं, आफ्टर द कलिजन की बात करते हैं कि भाई आफ्टर कलिजन हो जाएगा तो दोनों कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे वो समझना। तो वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर द कलिजन कितनी स्पीड से भागेंगे, तो देखो फ्रॉम फोर, फ्रॉम फोर आप क्या लगा सकते हो v1 प्लस ये रहा, फ्रॉम फोर आ गया हमारे पास ये रहा, फ्रॉम फोर ये रहा u1 माइनस u2 इज इक्वल v2 माइनस v1, हमें u v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस वन इस साइड आएगा तो प्लस v1 हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू u2 u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन वन, वन हमारे पास क्या है ये रहा वन, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू, तो क्या हो जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, क्योंकि देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी दोनों की पता होती है बट टकराने के बाद क्या होगी वो पता नहीं होती, वही हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू की जगह पे यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन, तो ये क्या हो जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, ब्रैकेट ओपन करें एम वन वी वन प्लस एम टू यू वन माइनस एम टू यू टू प्लस एम टू वी वन। अब
वी वन इधर रखो, बाकी सबको उधर लेके जाओ। चलो एम वन यू वन यहाँ पे, ठीक है, ये एम टू यू वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एम टू यू वन, एम टू यू टू यहाँ पे माइनस एम टू यू टू आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स एम टू यू टू। और इधर यहाँ पे क्या बचेगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी वन, एम वन वी वन प्लस एम टू वी वन। इधर से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यू वन एम वन माइनस एम टू प्लस टू एम टू यू टू। इधर से मैं वी वन कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, एम वन प्लस एम टू। तो अब मुझे वी वन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एम वन प्लस एम टू को डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। Therefore, v1 is equal to क्या हो जाएगा, u1 m1 minus m2 upon m1 plus m2 plus 2 m2 u2 upon m1 plus m2। हो गया, ये हमें निकला v1, पता चला ये v1 निकला। अब हमें v2 find करना है तो क्या करेंगे, v2 find करने का तरीका मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आप इसमें से V1 निकालो और वो फिर फर्स्ट में पुट करो, बट इतना लंबा चौड़ा मेथड मत करना। तो उसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, रिप्लेस सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब वो वन टू होते हैं ना, वन टू को रिप्लेस कर दो। सो V2, देखो V1 था, मैं आपको ये है ना, ये हमारा V1 निकला था ना, ठीक है, चलो V2 फाइंड करते हैं। V2 1 की जगह पे 2, U 1 की जगह पे 2, M 1 की जगह पे 2, M 2 की जगह पे 1, और नीचे M1 plus M2 ही रहेगा क्योंकि प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 M2 की जगह पे 1, U की जगह पे 1 अपॉन क्या आ जाएगा, M1 plus M2। आप जितना चाहे उतना ट्राई कर सकते हो, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। So these are the final velocities after collision. Then, okay? अब इसके तीन special case हैं, पहले इतना लिख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। Special case one, मान लेते हैं दोनों का object same है, object क्या, दोनों का mass same है, object mass same है। तो आप इसमें पुट करो, ये रहा देखो v1 की बात करते हैं तो यहाँ पे m1 माइनस m2 दोनों सेम है तो ये पूरा पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m2u2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, बट वो भी m हो जाएगा, ये u2 u2 नहीं आएगा, ये v1 नहीं आएगा, u2 होगा। सिमिलरली v2 की वैल्यू फाइंड करना है, m1 m2 सेम है, पुट करो आंसर क्या आएगा, u1। मतलब जो फर्स्ट बॉडी दोनों का मास सेम है ना, मान लो कि ये 5 केजी का है तो ये भी 5 केजी का, इसकी स्पीड 10 है, उसकी भी स्पीड 5 है, धक्का मारोगे तो जिसकी स्पीड 5 थी उसकी 10 हो जाएगी और 10 वाले की 5 हो जाएगी, ठीक है। हेंस व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस सफर वन डायमेंशनल देयर वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज, ये फर्स्ट समझ में आया। दूसरा मान लेते हैं m1 m2 m है और एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब u2 स्टेशनरी है, तो इसमें देखो u2 स्टेशनरी है तो आपका v1 क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब होगा क्या पता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़ा है, इधर से ये ऑब्जेक्ट ऐसे, इधर से इसने इसका धक्का मारा तो पहला वाला दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़ा रहेगा और पहला वाला ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। वापिस बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको धक्का मार रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये स्टेशनरी हो जाएगा और ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, ये स्टेशनरी और ये मूव कर रहा है तो ये स्टेशनरी हो जाएगा और ये मूव करेगा, सारी वेलोसिटी इसमें आपने आपको आगे ट्रांसफर कर दी, ठीक है बेटा। आगे बढ़े थर्ड केस बहुत, ये सारे केसेस है ना एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन लाइट बॉडी कलाइड्स अगेंस्ट अ मैसिव स्टेशनरी बॉडी, एक बॉल को टकराएगा क्या होगा, वापिस वही स्पीड से रिवर्स होगा,
एंड M1 इज मच मच लेस देन M2, मतलब M2 बहुत बड़ा है और U2 जीरो है, बहुत M2 बड़ा है, मतलब M1 को तो काउंट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। V1 इज इक्वल क्या होगा, माइनस U1, मतलब जो ये स्पीड से जाएगा U1 ये है तो V1 उल्टा हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा माइनस U1। तो हेंस व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट द लाइट बॉडी रिबाउंड्स आफ्टर द कोलिजन विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी व्हाइल द मैसिव बॉडी प्रैक्टिकली रिमेंस एट रेस्ट। ठीक है, अ लाइट बॉल ऑन स्ट्राइकिंग अ वॉल rebounds almost with the same speed and will remain at the rest. पर लाइट बॉल ऑन स्ट्राइकिंग अ बॉल उसकी बात चल रही है, ठीक है बेटा। और लास्ट केस क्या बता रहा है, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ लाइट स्टेशनरी बॉडी। एक सिंपल सी बात है कि एक लाइट स्टेशनरी बॉडी है, अगर मैं ऐसी पड़ी है छोटा सा बॉल, वो ट्रक वाला और साइकिल वाला पकड़ लो, साइकिल बिचड़ा है और इतना हैवी ट्रक आके उसको टकरा रहा है, तो क्या होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगे। ओके, V1 की वेलोसिटी क्या होगी, V1 की वेलोसिटी U1 होगी जो पहले थी वही, बट V2 की वेलोसिटी क्या होगी, 2 times U1 हो जाएगी, इतना फास्ट स्पीड से आगे जाएगा। Hence when a massive body collides against a light body at rest, the velocity of massive body remains almost unchanged, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा almost, while the light body starts moving with twice the velocity of the massive body। मतलब मान लो massive body की वेलोसिटी 5 है, तो जो light body है उसकी after टकराने का 10 हो जाएगी। ये आप चाहे तो आपको जो मैंने जो डेरिवेशन करवाए थे, दैट इज V1 और V2, V1 और V2 का डेरिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मैं वापस बता दूं कि बेटा ये जो मैंने आंसर निकाला है वो आप अपने तरीके से भी उसमें डाल के निकाल सकते हो, बट वो बहुत ही हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या बोला कि भाई उसका ट्रिक है ये, रिप्लेस द सब्सक्रिप्ट 1 को 2 से और 2 को 1 से, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा। और ये उसके स्पेशल केस, पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, याद रखना। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर रहेगा और वो फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 6, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, टेक केयर।